वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं हुशनेक सिंह पिंका जत्तदा टीवी तो अज कल फिर करांगे असीं भुल्लर साहब दी। भुल्लर साहब दे नाल जिन्ने भी साथी उन्होंने 30-30 साल 35-35 साल जेलों च ही हो गए। दुख की गल है कि इन्हां नूं सरकार कोई भी किसी भी तरीके नाल बाहर रिहा नहीं करना चाहती। तां जो कि जो कानून कहिंदा है, कानून यह गल कहिंदा है कि उन्होंने 30 साल 35 साल 20 साल की सज़ा एक कातल नूं मिलती है। तो साढ़े नाल दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान आत्म सिंह जी लवाना है। असीं उन्हां नाल गलबात करते हैं कि आत्म सिंह जी, असीं जानना चाहते हैं तुहाडे कोलों भी तुहाडा अगला रुख की होएगा उन्हां वास्ते। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज मैनू बड़े ही दुख नाल कहना पै रहा हैगा कि साढ़े सिख कौम दे जिहड़े लीडर ने, जिन्होंने कौम वास्ते अपनी कुरबानी दिती है, जिन्हां दे विच चाहे साढ़े जगतार सिंह जी हवारा जी होण, दविंदर सिंह जी भुल्लर जी होण, दया सिंह लोहरिया जी होण, बलवंत सिंह रजवाणा जी होण, होर होण, इन्हां सारयां ने इन्हां दी बनदी जिहड़ी सज़ा हैगी है वह पूरी कर ली है और इन्हां नूं एक मिनट भी जेल च नहीं रहना चाहिए है। इस नूं लैके पिछले दिन वो कमेटी गई सी कोर्ट विच और कोर्ट विच भगवंत मान दे वकील यह कहन कि साड़ी जूरीडिक्शन विच नहीं आंदा हैगा, इस करके इस केस नूं पेंडिंग किया जाए। बड़ी ही शर्म की गल हैगी है कि ये साढ़े CM साहब केजरीवाल साहब आम आदमी के कन्वीनर भी ने और इन्होंने जदों ये आए सी नवे इन्होंने बड़ी शुरुआत जोर शोर दे नाल सारियां गल्लां हल करन वास्ते इन्होंने अपने डिमांड रखियां सीगियां कि मैं सारियां नूं रिहा भी करावांगा। हुण इन्हां दे भाग अच्छे ने, इन्हां दी दिल्ली विच सरकार है, पंजाब विच सरकार है और दोनों विच यह साड़ी सिखां दे जिहड़े साडे बंदी सिंह ने सीनियर साडे लीडर ने उन्हां दे वास्ते कख भी नहीं कर रहे। मतलब इन्होंने कोई उपराला भी नहीं किया। राम रहीम नूं देख लो उन्हूं किन्नी वारी पैरोल मिली है, संजय सिंह नूं देख लो किन्नी पैरोल मिली है, होर इंदिरा अपने राजीव गांधी दे कतल दे दोषियों नूं अच्छे व्यवहार करके उन्हां नूं छड्ड दिता जांदा हैगा। मतलब किन्ना साढ़े नाल है, मतलब सरकारां सिखां दे नाल भेदभाव करनगियां, सिखां दे नाल क्यों नहीं मसले हल करते, आखिर साडा कसूर की है, सानू यह दसो। अगर असी ईमानदारी नाल गल करते हैं तो साडे उते बहुत वड्डे वड्डे संगीन ये आरोप लगाने की कोशिश करते हैं और सानू इन्हां नूं रिहा करन वास्ते कम करन नहीं दिंदियां सरकारां और सानू उलझा के रखदियां ने। इस करके मैं चाहवांगा केजरीवाल जी, तुसी बड़े ईमानदारी की गल की सी कि मैं सारिया नाल न्याय करांगा, हुण वो न्याय कित्थे गया? हुण तुहाडा वो रिव्यू बोर्ड जिहड़ा है वो कित्थे गया? तुसी रिव्यू बोर्ड विच इन्होंने कहा सीगा कि असी मतलब इन्हां नूं जल्दी ही जिहड़ी इन्हां दी सज़ा पूरी होगी माफ़ करांगे। और पिछले दिनों नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले तो अनाउंस भी किया सीगा कि जिहड़े सज़ा पूरी कर गए ने उन्हां नूं छड्ड देना चाहिए। हुण दुख की गल हैगी है कि दोवां स्टेटां चाहे पंजाब होए चाहे दिल्ली होए चाहे आम आदमी की सरकार है, इन्हां नूं करना चाहिए। भगवंत मान साढ़े मुख्यमंत्री ने पंजाब दे सिख ने उन्हूं बिल्कुल करना चाहिए, ईमानदारी नाल करना चाहिए हैगा, लेकिन वो नहीं कर रहा। देखो ये कुर्सियाँ आनी जानी चीज़ हैगियां ने, अज तुहानूं गुरु ने माण बख्शिया हैगा तो संगत ने पंजाब दे लोगों ने तुहानूं यह माण बख्शिया हैगा। तुसीं पंजाब दे लोगों के हकों वास्ते गल नहीं करोगे, सिक्खी की गल नहीं करोगे तो तुहाडा यह राज भाग चला जाएगा। इस करके मेरी हाथ जोड़ के तुहानूं बेनती है कि इहदे उत्ते बिल्कुल सीरीयस होके लेके, क्योंकि इन्होंने 30-30 साल लोग जेल कट के बैठे हुए ने, इन्होंने किसी 5 साल किसी 7 साल किसी 8 साल किसी 10 साल सज़ा बनती है और तुसी कोर्ट विच केस भी नहीं शुरू किए। मतलब कई साढ़े लीडर के
केस शुरू ही नहीं किए, जे शुरू ही नहीं कितों करोगे तो वह किन्ने जिंदगी भर उन्होंने तुम बंद रखोगे, की करोगे, की करना चाहती है सरकार। तो इस करके मेरी इन्हों बेनती है कि सिखा नाल न्याय करें, सिखी नाल सिखियां दे नाल दुश्मनियां ना पालो तुसी, और बहुत वधिया काम करो, तुहानू अगे गुरु महाराज चढ़दी कला बख्शे, लेकिन तुसी सिखां दे नाल जड़े काम करने चाहिए ने। और इहदे वास्ते मेरी फिर हाथ जोड़ के अपील है दोवें मुख्यमंत्रियों नू, अरविंद केजरीवाल नू भी ते अपने भगवंत मान नू भी, कि इन्हां दे उत्ते रिव्यू करके स्पेशल मीटिंग बुला के इन्हों जल्द तो जल्द रिहा करना चाहिए। अगर वो रिहा नहीं करते ऐदा ही लम्मा चलता गया तो संघर्ष का राज फिर शुरू करना पेगा। देखो जी, संघर्ष तो सिखा ने हमेशा ही किया और करते रहेंगे। अगर इन्हों के पेरेंट्स सानू अगर कहेंगे, और मैं पहला भी मीडिया के राही किया, अगर सानू ए दिल्ली कमेटी नू अगर ये जिम्मेवारी सौंपन तो असी सुप्रीम कोर्ट जाके जिदा अंसारी का केस इन्होंने शुरू नहीं किया सीगा और उन्हें पंजाब विच टकिया होया सी, बाद विच उन्होंने उत्थे यूपी च भेजा गया, तो जे उन्होंने वास्ते सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले ने तो साढ़े वास्ते क्यों नहीं है, असी भी आप इस सुप्रीम कोर्ट ले जा के और पटीशन पा के एक केस नू जल्दी शुरुआत करा के और जल्द तो जल्द निपटारा करके इन्हों रिहा कराना चाहवांगे। बहुत बहुत शुक्रिया जहदा टीवी ना गलबात करना। थैंक यू जी, बहुत बहुत थोड़ा इस मीत प्रधान दिल्ली सिख गुरद्वारा हुकूमत कमेटी के आत्मा सिंह जी लवाना। मैं हुशनीक सिंह पिंका दिल्ली तो।